कैसे हैं आप सब? तो आई होप आप लोग ठीक ही होंगे। तो गाइस, आज की जो वैकेंसी है आप लोगों के लिए टॉप एमएनसी कंपनी की तरफ से आ रही है। तो मैं आप लोगों को पहले कंपनी का नाम बताना चाहूँगी। तो देखिए, कंपनी का नाम है ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी। तो गाइस, आप लोगों ने ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजी के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा, क्योंकि ल्यूमिनस यहाँ पर जो कंपनी है बहुत यहाँ पर टॉप क्लास और साथ ही फेमस कंपनी है। यहाँ पर देखिए, मैं बता दूँ, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर मैन्युफैक्चर किए जाती है। और इस कंपनी की जैसे बैटरी हो गई, इन्वर्टर हो गया, यूपीएस हो गया, फ़ैन हो गया, ये काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर, काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स यहाँ पर आते हैं। आई मीन बोल सकते हैं आप लोग, देखिए इसके इंट्रो में भी लिखा गया है, जैसे आप लोग अगर कंपनी जो क्या क्या मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट में, यहाँ पर देखिए इन्वर्टर, यूपीएस सिस्टम, बैटरीज, फ़ैन, लाइट, स्विचेस, वायर, कॉमर्शियल जो एप्लीकेशंस होते हैं आप लोग के, जो कॉमर्शियल यूज़ में लाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर प्रोडक्ट यहाँ पर जो है सेल भी किए जाते हैं इस कंपनी के द्वारा, साथ ही अपन मैन्युफैक्चर भी किए जाते हैं। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये कंपनी कितनी बड़ी होगी और बहुत टॉप क्लास एजेंसी होगी। यहाँ पर अगर हम ब्रांच की बात करें तो ऑलमोस्ट देखिए यहाँ पर ऑल ब्रांच एलिजिबल है, बट अगर एक तरीके से इस कंपनी के अकॉर्डिंग देखा जाए कि यहाँ पर वर्क ज़्यादातर किस चीज़ से रिलेवेंट हो रहा है, तो देखिए यहाँ पर जो है अगर इलेक्ट्रिकल वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए यहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, या फिर हमारे यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाले स्टूडेंट हैं, या फिर यहाँ पर सीएस वाले स्टूडेंट हो गए, यहाँ साथ ही देखिए मैकेनिकल वाले। अब देखिए मैं सीएस वाले स्टूडेंट्स को क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि भाई सीएस का यहाँ पर हर जगह आप लोग का ज़रूरत रहती है, क्योंकि सीएस एक ऐसी ब्रांच है जहाँ पर देखिए आप लोग का डाटा रिकॉर्ड करना है या फिर अदर कोई वर्क सीएस से रिलेवेंट यहाँ पर होता है, तो हर जगह सीएस के स्टूडेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर अगर आप डिप्लोमा कैंडिडेट हैं या फिर ग्रेजुएट हैं, और यहाँ पर अगर आपने नॉन टेक्निकल फील्ड से है आप लोग अप्लाई कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर जो स्टूडेंट हमारे सेल्स में जाना चाहते हैं, अब मैं यहाँ पर सेल्स के बारे में इसलिए बोलूँगी, अगर स्टूडेंट हमारे सेल्स में ज़रूर जाएं, क्योंकि गाइज ये एक फेमस कंपनी है, ल्यूमिनस एक ऐसी कंपनी है जो बहुत ही ज़्यादा टॉप क्लास और फेमस कंपनी, तो आप लोगों को इसमें ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रहेगी सेल्स में, आप लोग का प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली यहाँ पर सेल होगा। तो आप लोग इस तरीके की कंपनी में जाया कीजिए, जो सेल्स डिपार्टमेंट होता है आपकी जो कंपनी है टॉप क्लास है, आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद कस्टमर यहाँ पर आपका जो है यहाँ कंपनी का ये प्रोडक्ट से आप खरीदेगा, बस आपको क्वालिफिकेशन बताने की ज़रूरत है यहाँ, ठीक है। ये सारी चीज़ें होती हैं और यहाँ ऑल इंडिया आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। 2022 के जो कैंडिडेट हैं वो भी यहाँ पर एलिजिबल हैं, क्योंकि गाइज ये जो वैकेंसी आप लोग की मेन एक तरीके से करियर साइट से निकल कर आ रही है, आप लोग ज़रूर अप्लाई करें। अप्लाई किस तरीके से करना है, आप लोग ल्यूमिनस पावर सर्च करेंगे और कैरियर पे चले जाएंगे, या फिर इसकी मेन आप लोग की जो यहाँ पर साइट है उस पर जा सकते हैं। उसके बाद आप लोग का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। तो गाइस इस तरीके का टैब ओपन होने के बाद आप लोग का यहाँ पर कैरियर ऑप्शन यहाँ पर ओपन हो गया है, और अगर आप लोग ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहते हैं तो डायरेक्ट आप लोग लिंक से जाकर अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सर्च जॉब आप लोग का ऑप्शन आ रहा है नज़र, यहाँ पर आ जाना है। सर्च जॉब के बाद आप लोगों को यहाँ पर एक ये सारी चीज़ें फ़िल्टर नज़र आएंगे, अगर आप जिस लोकेशन में सर्च करना चाहते हैं उस लोकेशन में सर्च कर सकते हैं। बाकी आप लोग यहाँ पर देखिए सर्च जॉब पर क्लिक कर दीजिए, जितनी भी जॉब्स होंगी यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर सब सारी जॉब्स निकल कर आ जाएंगी। ये देखिए आज मतलब रिसेंटली मैं निकल कर आई, 30 मार्च को यहाँ पर निकल कर आ रही हैं, 29 मार्च, 28 मार्च, यहाँ पर 24 मार्च, काफ़ी अच्छी वैकेंसी है। ओपन करके देखते हैं, जैसे एरिया सेल्स मैनेजर की यहाँ पर मैं वैकेंसी को ओपन करती हूँ, तो यहाँ पर ऑल ब्रांच एलिजिबल हैं, डिप्लोमा बीई बीटेक यहाँ पर ग्रेजुएशन वाले अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से आप लोग सभी जॉब्स के लिए यहाँ पर ओपन करके देख सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर थोड़ा स्क्रॉल कीजिए आप लोग को नेक्स्ट, और देखिए यहाँ पर कई सारी वैकेंसी हैं, जैसे डिप्टी जनरल मैनेजर एरिया सेल्स के सीनियर, सीनियर वाले में गाइस आप लोगों का एक्सपीरियंस की ज़रूरत है, तो इसीलिए आप लोग एक्सपीरियंस है तो ही अप्लाई करें, एक्सपीरियंस नहीं है तो आप इस वैकेंसी के लिए अप्लाई ना करें। ब्रांच मैनेजर में फ्रेशर स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, एरिया सेल्स मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ये आपके फ्रेशर्स की है। थोड़ा देखिए नेक्स्ट आप लोग नेक्स्ट पेज पर जाइए,
जाइए, और भी वैकेंसी आपको को देखने के लिए मिलेंगी। जैसे डिप्टी मैनेजर, इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। सीनियर मैनेजर के लिए फ्रेशर नहीं कर सकते हैं, एरिया सर्विस मैनेजर के लिए आप लोग कर सकते हैं। तो मान लीजिए मैं यहाँ पर कोई भी एक वैकेंसी आप ओपन कर लेती हूँ, जैसे देखिए यहाँ पर एरिया असिस्टेंट जनरल मैनेजर की या फिर यहाँ पर सर्विस मैनेजर की कोई भी जॉब ओपन कर लीजिए, ठीक है। यहाँ आप लोग को इसके बारे में सारी डिटेल आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी, जो भी डिटेल है इसके बारे में। उसके बाद आप लोग को यहाँ कई सारे ऑप्शन मिलेंगे, जैसे अगर आप इस जॉब को सेव करना चाहते हैं तो सेव कर सकते हैं। ईमेल से आप लोग यहाँ पर जो है अप्लाई करेंगे, और अप्लाई पे जाकर आप लोग अप्लाई कर देंगे। आप लोग को जैसे ही अप्लाई पे जाएंगे, अप्लाई पे क्लिक करेंगे गाइस, आप लोग का एक न्यू टैब ओपन हो जाएगा, जिसमें आप लोगों को ईमेल आईडी और अपना पासवर्ड फिलअप करना है। देखिए मेरे पास मेरी पहले से ईमेल आईडी है और पासवर्ड भी है, अगर मैं इसी से साइन अप करना चाहूँ तो मैं यहाँ से साइन अप कर सकती हूँ। देख सकते हैं गाइस, मैंने ईमेल आईडी और पासवर्ड से साइन अप कर लिया है। और अगर जिनके पास यहाँ पर ईमेल आईडी नहीं है, वो लोग न्यू यूज़र पे जाके कर सकते हैं। तो इसमें कुछ चीज़ें मांगेगा, जैसे अपलोड सीवी करना है, यहाँ पर कवर लेटर अपलोड करना है, कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। यहाँ पर आप लोगों को अपना जो है एक्सपीरियंस लेटर नहीं है तो मत करें। बाकी आप लोग यहाँ पर एजुकेशन आप लोग की, जैसे अगर आपने डिप्लोमा किया है फाइनल, मतलब जो बड़ी क्वालिफिकेशन आपकी डिप्लोमा है, तो डिप्लोमा वाला यहाँ पर जो है अपलोड कर दें। अगर बीटेक है, बीई है, या फिर वो अपलोड कर दें। आधार कार्ड अपलोड करेंगे। उसके बाद पर्सनल इन्फॉर्मेशन, प्रोफाइल में यहाँ पर प्रोफाइल इन्फॉर्मेशन में यहाँ पर करेंगे तो पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर फिल करनी होगी। इंटरनल एम्प्लॉय हिस्ट्री, तो आप लोग अगर पहले कभी किसी कंपनी में वर्क कर चुके हैं तो आप लोग को सर्टिफिकेट मिला होगा, वो यहाँ पर ऐड पे जाके यहाँ से पूरी चीज़ें यहाँ पर जो है ऐड कर सकते हैं। आपका अगर नहीं है तो आप फ्रेशर में छोड़ सकते हैं। यहाँ पर प्रीवियस एम्प्लॉय, तो वो जो एक्सपीरियंस है वो वाले अप्लाई कर देंगे, बट अगर जिनके पास नहीं है वो यहाँ पर खाली छोड़ देंगे। यहाँ पर है फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल एजुकेशन में देखिए यहाँ पर ये सारी चीज़ें ओपन हो जाएंगी, जैसे यहाँ पर स्टार्ट डेट, एंड डेट, आपने मान लीजिए डिप्लोमा किया तो डिप्लोमा स्टार्ट कब किया था, एंड कब हुआ है, आप लोग को वो लिखेंगे। कैटेगरी लिखेंगे, क्या कैटेगरी है यहाँ पर, डिप्लोमा है किस चीज़ में है डिप्लोमा, जैसे डिप्लोमा यहाँ पर क्या है, वो सारी चीज़ें आप लोग लिख देंगे। उसके बाद इंस्टीट्यूट नेम लिख देंगे, कंट्री लिख देंगे, ब्रांच लिख देंगे, यहाँ पर जो भी ब्रांच है आप लोगों की गाइस। उसके बाद आप लोग यहाँ पर देखिए, मैंने उसके बाद देखिए एंडिंग डेट, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर फिलअप कर देंगे। उसके बाद ये यहाँ से सबमिट मतलब सेव कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ऐड कर देंगे अपनी क्वालिफिकेशन की मार्कशीट, लैंग्वेज आपको कौन कौन सी आती है वो यहाँ से ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर मैं आपको बाकी और भी चीज़ बताती हूँ, जैसे देखिए सर्टिफिकेट आपको कोई भी चीज़, जैसे आपको फर्स्ट आने का कोई भी सर्टिफिकेट, या फिर कोई रनिंग सर्टिफिकेट, या फिर कोई अदर अचीवमेंट का कोई भी सर्टिफिकेट होता है तो आप लोग उसे अपलोड कर दें। और जॉब स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आपके पास है, जैसे आप लोग यहाँ पर क्या जॉब करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ आप लोग यहाँ पर फिलअप कर सकते हैं। और जो एक्सपीरियंस वाली चीज़ें हैं वो आप लोग यहाँ पर छोड़ देंगे। उसके बाद आप लोग कर देंगे सेव। सेव होने के बाद गाइस आप लोग का अप्लाई हो जाएगा। सिर्फ यही प्रोसेस है अप्लाई करने का, बाकी और कोई प्रोसेस नहीं है। इस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।